हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है गाइस, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो फिर चलिए हम देखते हैं। ये जो है 10th और 11th में है, तो फिर दोनों क्लास के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को जो है बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है नोट्स इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसको जो है पहले हम आरेख के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम नोट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए गाइस, नर का जो शुक्राणु होता है उसमें जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, और जो मादा का अंडाणु है उसमें जो है एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, या युग्मक, है ना, युग्मक कह सकते हैं। तो फिर ये जब एक्स और वाई और एक्स, यहाँ का नर का वाई और मादा का जब एक्स मिलता है, तो फिर जो है नर बनता है। ठीक है, एक्स वाई युग्मरज बनाएगा, जब एक्स वाई मिलेगा तब जो है नर बनेगा, और जब यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स मिलेगा यानी कि एक्स एक्स करेगा, तब जो है मादा का निर्माण होगा। ठीक है, लड़की उत्पन्न होगी या लड़की पैदा होगी। ठीक है, और जब वाई और एक्स मिलता है तब जो है लड़का पैदा होता है। ठीक है गाइस, तो फिर ये जो है लड़की होगा या लड़का होगा, ये जो है नर और मादा दोनों में किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है गाइस, ये जो है शुक्राणुओं पर डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु जो है पहले अंडाणु तक पहुँचेगा। लोग क्या कहते हैं गांव में कि जब से आई है तब से जो है बेटी ही पैदा कर रही है, है ना। तो फिर ये जो है ना ही मादा पर मादा को कुछ कर सकते हैं, ना ही इसमें नर कुछ कर सकता है। ठीक है गाइस, जो सबसे एक्टिव होता है शुक्राणु, जो स्पर्म सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, वही जो है जल्दी से जो है अंडाणु तक पहुँचता है, और वो एक्स भी हो सकता है या वाई भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो फिर वो जो है शुक्राणुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करते हैं कि कौन पहले जाएगा। ठीक है, तो फिर ये तो हो गया हमारा लिंग निर्धारण। ठीक है, जब एक्स यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई मिलेगा तो फिर नर पैदा होगा, और जब एक्स और एक्स मिलेगा तो फिर लड़की पैदा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए नोट्स की ओर बढ़ते हैं गाइज। वह बहुत ही सिंपल है, जो मैंने बताया वही आप लिख दोगे तो भी जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आरेख तो बताना ही बताना है, लेकिन ठीक है कि एक्स एक्स मिलेगा तो फिर लड़की, और एक्स वाई मिलेगा तो फिर लड़का। ठीक है गाइज, अब चलिए देखते हैं। पुरुष के शुक्राणु में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, तथा स्त्री के अंडाणु में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। शुक्राणुओं और अंडाणुओं में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइस, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यहाँ पर देखिए एक्स और वाई ये जो है आधे आधे हैं। ठीक है, ये वाई भी आधा है, ये एक्स भी आधा है, इधर ये एक्स भी आधा है, इधर ये भी आधा है। ठीक है, जब ये यहाँ का वाई और यहाँ का एक्स मिलेंगे तो फिर ये जो है द्विगुणित हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये एक्स और यहाँ का एक एक्स मिलेगा तो फिर ये भी जो है द्विगुणित हो जाएंगे। यहाँ पर केवल ये अगुणित है और यहाँ पर ये जो है द्विगुणित है। ठीक है गाइस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या पहले आधी होती है, जब गुणसूत्र की संख्या आधी होती है जब माता का अंडाणु तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं, तब युग्मनज बनता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है। ठीक है गाइस, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, फिर से द्विगुणित हो जाती है। लिंग का निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र एवं एक्स एक्स गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है गाइस, लिंग का जो निर्धारण है यानी कि लड़की होगा या लड़का, है ना, ये जो है नर के एक्स वाई गुणसूत्र और एक्स एक्स मादा के अंडाणु में जो एक्स एक्स गुणसूत्र है उस पर निर्भर करता है, या फिर युग्मक बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्स युग्मक पर निर्भर करता है। जब पुरुष का एक्स है ना, जब पुरुष का एक्स वाई में से जब एक्स है ना, पुरुष में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई, तो फिर पुरुष का जब एक एक्स है ना, उसमें तो केवल एक ही एक्स होता है, तो फिर एक्स स्त्री के एक एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स बनाता है, तो मादा बनती है। ठीक है, जब एक्स एक्स होगा, डबल एक्स होगा, तब जो है मादा यानी कि बच्ची पैदा होगा। ठीक है, लड़की पैदा होगा, और पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक एक्स मिलता है तब जो है एक्स वाई बनाता है, तब जो है पुरुष बनता है। ठीक है गाइस, ये सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम के थ्रू। जब नर का वाई और मादा का एक्स मिलेगा तो फिर नर बनेगा, और जब एक्स एक्स बनेगा तो फिर मादा बनेगा। ठीक है, तो फिर बहुत ही सिंपल है, और ये आरेख जो है आप लोगों को बनाना ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि यही जो है इसमें जो है आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बाकी नोट्स ये जो थ्योरी है ये तो आप पूरा लिख ही सकते हो, है ना। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और समझ नहीं आया होगा तो फिर प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो फिर ऐसे होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण की लड़की होगा या लड़का, है ना।
तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके थैंक यू गाइस, और दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके थैंक यू गाइस।